नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 8 आपका है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिनमें से आपका टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, जो आपकी एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक आपका मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का जो डायग्राम इस प्रकार होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके सॉल्व करने के लिए आपको कंडीशन बताने वाले, जिसके इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। आपको क्वेश्चन क्रू में वाई इक्वल टू एफ एक्स क्रू में आपका कंडीशन दिया रहता है, क्वेश्चन जो इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू आपका, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इस टू में रहता है। इसके दो कंडीशन होते हैं सॉल्व करने के। पहला कंडीशन होता है नेसेसरी कंडीशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। फिर इसी अगला स्टेप इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकाला जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एस ओ सी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पहचानना है। तो मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का इक्वेट वैल्यू जीरो से करना होता है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, इक्वेट वैल्यू जीरो करते हैं, तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद एक्स का कुछ वैल्यू प्राप्त होता है। अगला स्टेप है आप इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपका जो एक्स का वैल्यू आया इसमें पुट करना है। अगर आप इसमें पुट करते हैं, अगर एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होता है तो यह मैक्सिमा कहा जाता है, अगर एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है तो मिनिमा में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अगर सेकंड ऑर्डर कंडीशन का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा आता है तो मिनिमा में चला जाएगा, और अगर जीरो से छोटा आता है तो यह मैक्सिमा में चला जाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर कंडीशन का वैल्यू इक्वल टू जीरो आता है तो 0.8 इन्फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ आप समझ सकते हैं, जिसमें आपको वाई के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इसमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला जो आपका क्वेश्चन आने वाला है कर्व ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी से रिलेटेड प्रश्न, इसलिए आपको बेसिक चीज़ें आपको पहले हम बता रहे हैं। जैसे कि आपका वाई इक्वल टू यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है, इसमें फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमने पहले बताया कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का इक्वेट वैल्यू जीरो से करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी कि पहला बार डेरिवेटिव करने इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो चलिए आपको जो वाई का वैल्यू दिया है उसी को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेरिवेटिव किया है, सिक्स कॉमन है, सिक्स को हम बाहर रखेंगे, कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आपका जो डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x होगा, वही चीज़ हमको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगला है माइनस एक्स की बाय थ्री, तो वन बाय थ्री को आपको कॉन्स्टेंट रखना है, यानी कि कॉमन, और एक्स की का जो डिफ्रेंशिएशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर, हम यही चीज़ को यहाँ पे लिखे देख सकते हैं, माइनस का माइनस साइन दिए, और एलेवन एक्स है, तो एलेवन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, एलेवन तो आपका कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन, तो एलेवन इंटू वन एलेवन ही होगा, और यहाँ पे माइनस है 50, तो किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करने से वैल्यू जीरो होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होता है 12x माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, और एक्स की का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 3 3, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 3 को यहाँ पे काटे, और माइनस 11x, तो इसको सॉल्व करने से आपको प्राप्त होता है 12x माइनस सेकेंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसको माइनस है तो यहाँ साइन सिर्फ बदल दिए हैं, यहाँ प्लस किए हैं, और 12x को यहाँ पे प्लस, इसको माइनस किए हैं, और माइनस 11 है तो इसको हम प्लस एक्स किए हैं इक्वल टू जीरो, आप साइन यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसको आप गुणनखंड विधि से तोड़ना है, जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं तोड़ें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को आप लिख सकते हैं माइनस 11x माइनस एक्स प्लस 11, तो आप इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो आपका जो वैल्यू होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वैल्यू होगा 1, और अगला जो x माइनस 11 इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू होगा 11। अब इसी का हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का वैल्यू है 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसी का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, यानी कि
सेकेंड बार इसका डिफ्रेंसिएशन करने वाले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का आपका वैल्यू यहाँ पे 12x को इसका आप डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 12x का डिफ्रेंसिएशन होगा 12x कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 12 को लिखे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे हमने 2x लिखा है, तो आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन प्राप्त हो जाता है 12 - 2x, तो आपका जो वैल्यू आया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में x का वैल्यू 1 है और एलेवन इसी वैल्यू पे पुट करना है, जैसे इफ x इक्वल टू 1 तो 12 - 2 × x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने से 10 प्राप्त होता है जो कि 0 से बड़ा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और हमने कंसेप्ट अभी अभी बताएं, अगर 0 से बड़ा होता है तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और अगर 0 से बड़ा होता है तो मिनिमा में चला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने, अगर x इक्वल टू 11 का वैल्यू पुट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12 - 2x का वैल्यू दिया हुआ है, तो 12 - 2 × x, x का वैल्यू यहाँ पे 11, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 - 22 तो आपका आ जाता है -10 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने पर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन मैक्सिमा में चला जाता है, तो इस प्रकार मिनिमा और मैक्सिमा निकाला जाता है। तो x का जो 1 है आपका मिनिमा है और x का वैल्यू 11 जो है मैक्सिमा, तो ये आपका राइट आंसर है, तो इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो आप इस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं, तो आप यहाँ से फुल मार्क्स उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, कर्व यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट इन्फ्लेक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, इसके लिए हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू गाइस।